हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिस इंसान को रेस्ट करने के बाद, आराम करने के बाद भी बेवजह थकान और कमजोरी रहती है, अगर आपके शरीर के अंदर खून की कमी लगातार रह रही है, चाहे आप आयरन वाले फूड खा रहे हैं, इसके अलावा अगर आपकी नसें कमज़ोर रहती हैं, पिंडलियों की नसें मुड़ जाती हैं, नसों में दर्द रहता है, इसके अलावा चौथा है, अगर आपको लगातार हड्डियों में दर्द रहता है, तो आप सावधान हो जाएं। और इस वीडियो में हम जानते हैं इनके पीछे आखिर कारण क्या है और इनका इलाज हमने कैसे करना है। कुछ लोगों से आपने सुना होगा या फिर आपने अपने खुद के शरीर में भी ऐसे महसूस किया होगा, आपकी टांगों में या फिर आपकी बाजुओं में सुनपन सा रहता है, झंझनाहट सी रहती है, अचानक से हाथ पैर सो जाते हैं, यानी कि आपका नर्व सिस्टम जो है वो ठीक से काम नहीं करता, जिस कारण से हाथ पैर सोते हैं, नसें दर्द करती हैं या हाथ पैरों में नंबनेस आती है। इसके अलावा क्या आपने कभी ऐसे महसूस किया है कि आप किसी चीज़ को रखकर अचानक से भूल रहे हैं, आपको वो चीज़ याद ही नहीं आ रही, आपने किसी को कोई बात बोलनी थी, आपने याद रखी थी, लेकिन एंड टाइम पे वो बात ही नहीं याद आ रही, यानी कि आपकी सोचने की और किसी चीज़ को याद रखने की जो क्षमता है वो बहुत वीक पड़ रही है। आपके अंदर थकान और कमजोरी इतनी ज़्यादा रहती है कि आपका किसी भी काम को करने का मन नहीं करता, चाहे आप सुबह उठें फिर भी आपको ऐसे लगता है कि मुझे बहुत थकान है, मैं उठ नहीं सकती या मैं उठ नहीं सकता, मैं अपने काम नहीं कर सकता, मुझे आज की छुट्टी चाहिए, यानी आपके अंदर वीकनेस और कमजोरी बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो ये पूरे नर्व सिस्टम को गड़बड़ा देता है, ये इंसान को पैरालाइज्ड कर देता है। मैं आपको डरा नहीं रही, लेकिन आपको ये चीज़ को जान लेना बहुत ज़रूरी है और इसकी सच्चाई को जान लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो ये चारों चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। बिना कारण से थकान रहती है, खून की कमी रहती है, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं होता। तो मैं सबसे पहले आपको बताने जा रही हूँ इसके लिए आपने इलाज कौन सा करना है, क्योंकि आप इलाज करना शुरू कर दीजिए ताकि ये समस्या आपके अंदर बिल्कुल भी ना रहे। तो आपने रागी का नाम सुना होगा, रागी को फिंगर मिल्ट कहते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि ये इन चारों समस्याओं को दूर कर सकती है, तो कैसे कर सकती है वो भी बता देती हूँ, क्योंकि रागी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है, रागी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। जिस चीज़ में अच्छी मात्रा में आयरन है वो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन को पैदा करेगा ताकि खून की कमी दूर हो जाएगी। अच्छी मात्रा में कैल्शियम होगा तो वो हमारी हड्डियों को मिल पाएगा और हमारी हड्डियां भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम और आयरन पूरा है तो थकान और कमजोरी बेवजह होने वाली नहीं होगी। रही बात तीसरा नंबर, यानी कि नसें अगर आपकी कमज़ोर हैं तो भी रागी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके अंदर अच्छी मात्रा में मैग्नीज और पोटेशियम होता है। एक चीज़ और इसमें बहुत अच्छी है, वो है विटामिन B12। विटामिन B12 हमारी नसों की पूरी मरम्मत के लिए एक सबसे बेस्ट चीज़ है। ये हमारी बॉडी के अंदर RBC को पैदा करता है। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स बहुत कम बनते हैं, जिसके कारण हम आयरन लेने के बाद भी हमारी बॉडी में खून नहीं बन पाता। तो आपको मैं बता दूं कि आपने रागी का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, सिर्फ आप इसका तरीका जान लीजिए, ये चारों समस्याएं अगर आपको हैं तो वो दूर हो जाएंगी। आपने क्या करना है, रागी लेनी है। रागी यानी फिंगर मिल्ट बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाती है, अगर नहीं मिले तो ऑनलाइन जहाँ से मिलती है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने क्या करना है, 50 ग्राम के करीब आपने रागी लेनी है और उसे 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। पानी में भीगने के बाद ये रागी फूल जाएगी। उसके बाद आपने इसका पानी अलग कर देना है, पानी फेंक देना है, अकेली फूली हुई रागी लेनी है और उसके स्प्राउट निकालने हैं, उसे अंकुरित करना है। जब आप उसे अंकुरित करेंगे तो इसके अंदर का जो कैल्शियम होगा वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, इसके अंदर का विटामिन B12 जो होगा वो भी बहुत बढ़ जाएगा और आयरन भी ऐसा आ जाएगा जो हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये स्प्राउट कम से कम 4 से 5 घंटे के अंदर निकलेंगे इस रागी के। आपको इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख देना है, 5 से 6 घंटे के बाद इसके स्प्राउट निकल जाएंगे। उसके बाद आपने इस रागी जो स्प्राउट निकली है उसको मिक्सर में डालकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लीजिए।
बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, रोज़ जो आप खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, यानी कनक का आटा लेते हैं, गेहूं का आटा लेते हैं, तो उस गेहूं के आटे के अंदर, जैसे मान लीजिए आपने आधा किलो आटा लिया सबके लिए, फैमिली के लिए, और आप इसमें 50 ग्राम जो हमने स्प्राउट निकाले थे उनका पेस्ट बनाकर इसके अंदर मिक्स कर दीजिए और इसका आटा गूंद लीजिए। इसी तरीके से रोज़ाना हर रोज़ आपने लंच में लेना है इसे, डिनर में नहीं लेना, ब्रेकफास्ट में नहीं लेना, सिर्फ लंच में लीजिए, ताकि ये बहुत अच्छे से अपना काम कर सके, थकान कमजोरी को दूर कर सके और इसका पाचन भी बहुत आसानी से हो सके। तो ये आपने रागी स्प्राउट करके उसका आटा गूंदना है, फिर आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही आसान तरीका है और बिना दवाई के आपकी बॉडी में थकान, खून की कमी, नसों की कमजोरी और हड्डियों की कमजोरी को दूर कर देगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इन चारों चीजों को कैसे, समस्याओं को हमने दूर करना है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रात के टाइम आपने दूध पीकर जरूर सोना है। दूध के अंदर न केवल कैल्शियम, प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, बल्कि ये एक एनिमल फूड है, तो इसके अंदर विटामिन B12 भी अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा आपने शाम के टाइम यानी कि 4 से 5 बजे जब आप चाय पीते हैं तो उस टाइम एक चीज खानी है, वो है भुने हुए चने और गुड़ खाना। भुने हुए चने और गुड़ खाने वाले इंसान को जिंदगी में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं हो सकती, उसको थकान कमजोरी, खून की कमी, ये तकलीफें नहीं हो सकती और उनकी हड्डियां कमी कमजोर नहीं हो सकती। तो आपने शाम के टाइम यानी 4 से 5 बजे के टाइम पे भुने हुए चने कितने लेने हैं, एक मुट्ठी चने ले लीजिए भुने हुए और थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए 1 चम्मच के करीब और इसे खा लीजिए, बहुत आसान है इसे खाना। तो ये जो आपको मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, सबसे फर्स्ट रागी, दूध और दूध से बनी चीज़ें, इसके अलावा भुने हुए चने, इनको अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए, बहुत आसान है, आपकी हर एक दवाई वो छूट जाएगी जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, थकान, खून की कमी, नसें कमज़ोर, हड्डियां कमज़ोर, तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप ज़रूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके बाय।